हरियाणा पुलिस के पेपर रद्द होने के बाद कोचिंग संस्थानों के बच्चों ने जताया रोष। पानीपत लघु सचिवालय में प्रदर्शन कर डीसी को सौंपा ज्ञापन। हरियाणा पुलिस के पेपर रद्द होने के बाद पूरे प्रदेश में अलग अलग कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों में काफी रोष है। छात्रों का गुस्सा साफ देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में आज पानीपत में अलग अलग कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों ने पानीपत लघु सचिवालय पहुँच कर प्रदर्शन किया। छात्रों ने कहा कि हम पूरा साल पढ़कर मेहनत करते हैं और किसी और की वजह से हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। सरकार और प्रशासन को पेपर लीक करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि किसी भी बच्चे की मेहनत इस तरह बर्बाद ना हो। इसी को लेकर बच्चों ने पानीपत डीसी से मिलकर उन्हें सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। हरियाणा पुलिस का पेपर हम इतने सालों तक पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसके बाद पेपर चोरी हो जाता है। कुछ लोग दो नंबर में पेपर चोरी करके भेज देते हैं। इतने सालों की मेहनत खराब हो जाती है, तो इसलिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं ताकि आगे से ऐसा कुछ ना हो, हमारी मेहनत पे कोई पानी ना फेरे। देखिए, ये बच्चे लगातार अपनी तैयारी करते हैं। जी जी, सालों साल से ये लोग अपने सिलेबस को कवर करते हैं और कुछ चंद लोग पेपर लीक करते हैं, फटाफट से शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं। जी, ये इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जी, और इसके लिए हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं।